हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रजनी। और दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए इजी सा फेस पैक लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसान सा DIY है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट, वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन है ना, जरूर उसको जरूर दबा दीजिएगा, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको और आप वीडियो को मिस ना कर पाएँ। आज की वीडियो में यूज करने वाली हूँ वो है कॉफ़ी। आपने बहुत सारे फेस पैक, फेस स्क्रब देखे होंगे कि कॉफ़ी लेते हैं, बस एक दो चीज़ें मिलाते और लगा लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लगाना है, क्योंकि कॉफ़ी का सही तरीके से यूज़ ना करना ये चेहरे पर उल्टा असर भी करता है। आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया टिप्स देने वाली हूँ मैं आपको, जिसे आप यूज कीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत ही बढ़िया नतीजे मिलेंगे आपको। और आज का जो फेस पैक है, सभी लोग लगा सकते हैं, मेन फीमेल किसी भी एज में आप इसको लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया स्किन ब्राइटनिंग, स्किन वाइटनिंग, स्किन लाइटनिंग का ये काम करेगा, और बहुत ही बढ़िया आपको निखार भी देगा। चेहरे को फेयर करने के अलावा स्किन को हाइड्रेट करेगा और मॉइस्चराइज करेगा स्किन को आपको। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। मैंने 1 छोटी चम्मच कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर 1 चम्मच आपको लेना है, क्योंकि आज के फेस पैक के लिए इतना ही काफ़ी है। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ नींबू। नींबू एक नेचुरल ब्लीचिंग का काम करता है, तो आपको एक नींबू का रस निचोड़ कर 1 चम्मच के बराबर आपको यहाँ पे नींबू का रस लेना है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दोनों बराबर मात्रा में ले लिया है, नींबू का रस भी और कॉफ़ी भी। कॉफ़ी और नींबू स्किन बहुत बढ़िया तरीके से ना डीपली साफ करेगा, स्किन को यंग करेगा, और स्किन को एक ब्राइटनिंग पन देगा, स्किन को वाइटनिंग देगा, और स्किन को बहुत ज़्यादा साफ करेगा। अब इसमें हम डालेंगे बेसन और दूध। और अब इसको अच्छे से मिलाएंगे और अच्छे से फेंट लेंगे, क्योंकि अगर हम इसको अच्छे से फेंटेंगे नहीं तो ये उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। कई लोगों को मैंने देखा है कि कोई भी फेस पैक लगाते हैं, जो मैंने अपनी नज़र में देखा है, तो कई लोग क्या करते हैं, बस फेंक लेते हैं सामग्रियों को और बस घोल लेते हैं, और उसे अच्छे से फेंटते नहीं कि जब तक कि वो चीज़ अच्छे से मिल ना जाए, और अच्छे से मिलाते नहीं और ऐसे ही लगा लेते हैं, जिससे वो बढ़िया तरीके से मिल नहीं पाता है और उसका असर भी कम होता है। तो इसलिए ना, आप जब भी ना कोई फेस पैक बनाते हैं अपने चेहरे के लिए या बॉडी के लिए, या कोई हेयर पैक बनाते हैं, तो आप उसे अच्छे से मिल। तो मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है, आप देख सकते हैं। अब ये एक लिक्विड सा पेस्ट बन गया है, और इतना ही काफ़ी है। और इसका जो लाइट कलर भी हो गया है, मतलब जितना पहले डार्क था, तो बनते बनते इसका जो फेंटते फेंटते इसका कलर भी लाइट हो गया है। अब हमें इतना ही फेंट लेना है इसको। तो अब आपको अपना चेहरा पानी से साफ कर लेना है पहले, फिर इस फेस पैक को आपको ब्रश से लेना है, और इस तरह से आपको पूरे फेस पर लगा लेना है। दोस्तों, आप इसको किसी भी सीज़न में लगा सकते हैं। अगर आपको टैनिंग हो जाती है धूप में जाने के कारण, तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी टैनिंग को हटा देगा। तो आप देखिएगा, इस तरह से आपको एक मोटी लेयर लगा रही हूँ मैं अपने चेहरे पर। तो आपको ये दो बातें ध्यान में रखनी है, और इसको अच्छे से लगा लेना है, और इसे मैं 15 से 20 मिनट तक आपको अपने फेस पर लगा कर रखना है, और 15 मिनट के बाद चेहरे को पानी से आप धो सकते हैं। तो मैंने यहाँ इसको इस तरीके से अच्छे से लगा लिया है। अब हमें इंतज़ार करना होगा इसका सूख जाने का, और उसके बाद फिर आप इसको चेहरे से साफ़ कर सकते हैं, धो सकते हैं अपने चेहरे को, और फिर साफ़ करने के बाद एक वाइटनिंग इफेक्ट पाएंगे आप। दोस्तों, आप इसे डेली इस्तेमाल करते हो या हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करते, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ही बहुत ही बढ़िया तरीके से निखार आएगा, और आप खूबसूरती पाएंगे, और आपके फेस पर एक बहुत ही प्यारा सा ग्लो आएगा। आई होप ये फेस पैक आपको आज का पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप है ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे लिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।